हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सैलेंडर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिकटॉक के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आज 24 जुलाई है और अभी तक टिकटॉक वापस नहीं आया, लेकिन क्योंकि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिसमें बताया जा रहा है कि टिकटॉक 24 जुलाई को वापस आने वाला था या आ चुका है। बहुत सारे इस तरह के क्लिक बेट थंबनेल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बहुत लोग यह जानना चाह रहा है टिकटॉक आखिर में वापस आएगा या फिर नहीं आएगा, आएगा तो कब तक आएगा। ऐसा नहीं कि टिकटॉक बिकने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी वीडियो अपलोड हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि टिकटॉक बिकने वाला है या फिर टिकटॉक का जो सर्वर है जहां पर डाटा स्टोर किया जाता था उस सर्वर को अमेरिका या फिर इंडिया में शिफ्ट करने वाला है। आखिर में सच्चाई क्या है, इसके बारे में जानने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसा कि आप लोगों को पता है, टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है। इंडिया में बैन होने के बाद अमेरिका और पाकिस्तान में भी बैन हो सकता है। टिकटॉक एप्लीकेशन जो है इंडिया में इससे पहले भी कुछ टाइम के लिए बैन हो चुका था, लेकिन उस टाइम जब बैन किया गया था तो वहाँ पर सेक्सुअल कंटेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहा था टिकटॉक, इसलिए कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया गया था। लेकिन जो आपके मोबाइल फ़ोन में यदि टिकटॉक एप्लीकेशन इंस्टॉल था तो आप उसे यूज कर सकते थे, बट लेकिन वीडियो अपलोड नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो है पूरी तरह से सर्वर को ब्लॉक कर दिया गया है, और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने 79 क्वेश्चन चाइना से पूछा गया था। इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए 21 डे यानी कि 3 वीक का टाइम दिया गया था। ये 3 वीक में 79 क्वेश्चन के जवाब देता है तो फिर इंडियन गवर्नमेंट सोचेंगे टिकटॉक को वापस आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो 79 क्वेश्चन को आंसर देना था, तो टाइम जो था 22 जुलाई का था, जो कि 22 जुलाई बीत चुका है। और कुछ लोग ऐसा समझ रहे थे कि 22 जुलाई को टिकटॉक वापस आ जाएंगे, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। 22 जुलाई को टाइम दिया गया था 21 डे का, जिसमें 79 क्वेश्चन को आंसर देना था। फाइनली टिकटॉक ने क्वेश्चन का आंसर दिया या फिर नहीं दिया अभी तक पता नहीं चला है। जो भी मेल के थ्रू दिया भी गया होगा तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला है। जैसे इसके बारे में कुछ पता चलता है तो आपको मैं बता दूंगा। अभी तक क्वेश्चन का आंसर यदि दे देता है तो हो सकता है कि कुछ टाइम में टिकटॉक वापस आ सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। एक और भी रास्ता जिसके कारण वापस आ सकता है, टिकटॉक एप्लीकेशन का जो सर्वर है जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, ये जो है डाटा स्टोर अब यहाँ पे अमेरिका में होने वाला है, जिसके कारण हो सकता है कि टिकटॉक फिर से वापस आ सकता है। क्योंकि आपको पता है अगर अमेरिका में अगर शिफ्ट होता है तो अमेरिका में भी टिकटॉक बैन होने वाला है, वहाँ से भी बच जाएगा। और इसके बाद अमेरिका और भारत में काफ़ी अच्छे संबंध है, तो यहाँ पे भी बैन हट सकता है या फिर टिकटॉक एप्लीकेशन जो है बिकने वाला है। हाँ भाई, आप सही सुन रहे हो, ये बिकने के कदार पे आ चुका है बहुत ही जल्दी। टिकटॉक से बैन नहीं हटता है तो ये एप्लीकेशन बहुत ही जल्द बिक जाएंगे, और अमेरिकन इस एप्लीकेशन को खरीदेंगे और फिर से इसके डाटा सेंटर अमेरिका में शिफ्ट करेंगे और फिर से इस एप्लीकेशन को अनबैन किया जाएगा। तो ये सब मेन रीज़न है जो टिकटॉक को वापस आ सकता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी टाइम लग सकता है। ऐसा वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।